तो दोस्तों WPL 2024 का आज हम एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बनाम गुजरात जायंट के बीच ये मुकाबला देखने को मिला। आज का यह मुकाबला पूरी तरह से कंप्लीट होते हमें WPL 2024 की पॉइंट टेबल में एक बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में WPL 2024 का नया पॉइंट टेबल हम आपको बताएंगे, कौन सी टीम कौन से पोजिशन पर है और कौन सी टीम के पास कितना अंक है, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बंद रहे। तो आप भी WPL 2024 के एक बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप WPL 2024 से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। WPL 2024 के नए पॉइंट टेबल के मुताबिक पॉइंट टेबल पे जो आखिरी पोजीशन पर है, आज का मुकाबला हारने वाली टीम गुजरात जायंट। गुजरात जायंट ने WPL 2024 के सीजन में टोटल दो मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में गुजरात जायंट को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 0 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में काफी खराब देखने को मिल रहा है। गुजरात जायंट की टीम अपना अगला मुकाबला 1 मार्च को यूपी वॉरियर के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो चौथे पोजीशन पर है वह यूपी वॉरियर। यूपी वॉरियर ने WPL 2024 के सीजन में टोटल दो मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में यूपी वॉरियर को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 0 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट -1.226 का देखने को मिल रहा है। यूपी वॉरियर की टीम अपना अगला मुकाबला 28 फरवरी को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है वह दिल्ली कैपिटल। यह दिल्ली कैपिटल ने WPL 2024 के सीजन में टोटल दो मुकाबले खेले गए, जिनमें से दिल्ली कैपिटल को एक मुकाबले में जीत मिली और एक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट +1.22 का देखने को मिल रहा है। वे दिल्ली कैपिटल की टीम अपना अगला मुकाबला 29 फरवरी को रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है वह मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने WPL 2024 के सीजन में टोटल दो मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में मुंबई इंडियंस को जीत मिली। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट +0.488 का देखने को मिल रहा है। मुंबई इंडियंस की टीम अपना अगला मुकाबला 28 फरवरी को यूपी वॉरियर के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है, आज का मुकाबला जीतने वाली टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने WPL 2024 के सीजन में टोटल दो मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जीत मिली। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रन प्लस में काफी शानदार देखने को मिला है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम अपना अगला मुकाबला 29 फरवरी को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। ये थी WPL 2024 का आज का नया पॉइंट टेबल। आपको क्या लगता है WPL 2024 का में छठवां मुकाबला मुंबई ने बनाम यूपी वाले के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा, इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वही आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।